blame all the sins that you can confess. Mahindra Scorpio एक ऐसी गाड़ी जिसने मार्केट के अंदर अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी है। मतलब इसने इतना ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करा है मार्केट के अंदर, कंपनी को बढ़िया सेल प्रोवाइड करी है। अभी भी अगर आप घर से निकलेंगे, हर तीसरी गाड़ी आपको स्कॉर्पियो देखने के लिए मिल जाएगी। गाड़ी की जो रोड अपीयरेंस है लोगों को वो काफी ज्यादा पसंद आती है। हालांकि गाड़ी ने एनकैप के अंदर इतना खास परफॉर्म नहीं करा था, जो एनकैप के अंदर जो रेटिंग आई थी करंट स्कॉर्पियो की वो 0 आई थी, लेकिन इसके बावजूद गाड़ी की सेल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। कंपनी ये क्लेम करती है कि भाई बढ़िया सेल उनको देखने के लिए मिली 2021 के अंदर और 2020 के अंदर। अभी भी अगर आप इस गाड़ी को बुक करने जाओगे तो आपको अच्छी खासी वेटिंग पीरियड देखने के लिए मिल जाएगा। गाड़ी इसी सक्सेस को देखते हुए कंपनी ने गाड़ी का जो 2022 का जो फेसलिफ्ट वर्जन है उसको लॉन्च करने का मतलब डिसाइड करा था, जो कि ऑलमोस्ट रेडी है मार्केट के अंदर आने के लिए। 2022 की जो स्कॉर्पियो है उसकी जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग पे कैमोफ्लेज के अंदर जो तस्वीरें थी ऑलरेडी वायरल है, लेकिन जो अब इंटीरियर की जो फोटोज आई हैं उसको देखना काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि ऐसा लग रहा है फोटोज को देख के कि जो कंपनी है, कंपनी ने पूरी तरह से एक कोशिश करी है गाड़ी को एक लग्जरी फील देने की। मतलब अगर आप ये फोटोज देखेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब जो एक स्कॉर्पियो का जो लुक था अंदर से, जो लोग बोलते थे कि यार इतना प्रीमियम नहीं आता है, उनको थोड़ा सा एक सवाल का जवाब मिल जाएगा ये फोटोज देखने के बाद, जो कि मेरे हिसाब से आप जरूर बोलेंगे कि भाई कंपनी ने जरूर काम करा है गाड़ी के अंदर। तो ये कुछ तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर जो कि आप देख सकते हैं। इन फोटोज के अंदर क्लियरली देखा जा सकता है जो गाड़ी का इंटीरियर है कंप्लीटली पूरी तरह से चेंज है। मतलब एक प्रीमियम लुक आपको गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। गाड़ी के फ्रंट में आपको आर्म्स देखने के लिए मिल जाएगा और गाड़ी की जो सीट्स हैं उनका जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है देखने में। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो आपको 9 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि सारे एंड्रॉइड, एप्पल और ऑटो कार कनेक्ट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगा। अगर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम से थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक एसी देखने के लिए मिल जाएगा, और उसके नीचे आपको कुछ कंट्रोल बटन देखने के लिए मिल जाएंगे जो काफी हद तक XUV700O और थार जैसे लग रहे हैं। बाकी गाड़ी के अंदर आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि क्रूज कंट्रोल मोड के साथ आएगा। लेदर में आपको गियर नॉब देखने के लिए मिल जाएगा, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। गाड़ी के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ भी देखने के लिए मिल जाएगा। अभी कुछ पिक्चर वायरल हुई थी उसके अंदर ये देखा जा रहा था कि सनरूफ आपको गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी जो पिक्चर वायरल हो रही है उसमें क्लियरली देखा जा रहा है कि गाड़ी के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ भी देखने के लिए मिल जाएगा। पैनोरामिक सनरूफ देखना मेरे हिसाब से एक ज्यादा शॉकिंग बात नहीं लगी, क्योंकि जितनी भी कंपनीज है अब वो ज्यादा से ज्यादा ये प्रैक्टिस कर रही है कि गाड़ी के अंदर पैनोरामिक सनरूफ दिया जाए, क्योंकि जो ट्रेंड इस टाइम पे सेट हो रहा है वो आजकल मार्केट के अंदर पैनोरामिक सनरूफ का ही जो ट्रेंड है वो सेट हो रहा है। बाकी अगर बात करें गाड़ी के रियरव्यू मिरर के बारे में तो आपको ऑटो डिमिंग रियरव्यू मिरर नहीं मिलेगा, वो नॉर्मली आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी अगर बात करें ओवरऑल इंटीरियर लुक के बारे में तो कंपनी ने काफी ज्यादा एक प्रीमियम क्लास की लुक देने की कोशिश की है इस गाड़ी के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा कंपनी सक्सेस दिखाई दे रही है। अगर बात करें गाड़ी के थर्ड रो के बारे में तो भाई लोग बोलते थे कि गाड़ी के जो थर्ड रो है एक तरह से यूजलेस है, बेसलेस है, क्योंकि ना तो वहां पे सामान रख सकते हैं ना तो वहां पे लोग बैठ सकते हैं। तो कंपनी ने इस चीज का काफी ज्यादा ध्यान रखा है अपने 2022 के मॉडल के अंदर। अब जो गाड़ी के अंदर जो थर्ड रो आने वाली है उसके अंदर आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के बैठ सकते हैं। और रही बात गाड़ी की स्पेस की तो काफी ज्यादा आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। चलो ये तो रहेगी गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात। अब बात करेंगे गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में कि एक्सटीरियर में आपको क्या कुछ चीजें, क्या कुछ कॉस्मेटिक चीजें चेंज देखने के लिए मिल जाएगी। गाड़ी के बाहर से ही देखने में लग रहा है कि गाड़ी की जो मतलब ओवरऑल साइज है काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट से काफी ज्यादा गाड़ी का लुक है वो काफी अग्रेसिव सा लग रहा है देखने में। बाकी फ्रंट ग्रिल में आपको जो महिंद्रा का लोगो है नया वाला, वो महिंद्रा का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात करें गाड़ी के ओवरऑल लुक के बारे में तो किंग साइज एसयूवी लग रही है गाड़ी देखने में। अगर आप गाड़ी ड्राइव करेंगे तो लगेगा कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है। बाकी एक गाड़ी की जो मतलब एक अपीलिंग लुक थी जिसको देख के लगता था कि सामने से कि यार स्कॉर्पियो आ रही है, सिग्नेचर था स्कॉर्पियो का, वो आपको बरकरार देखने के लिए मिल जाएगा। गाड़ी के अंदर आपको न्यू अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो रूफ रेल्स का जो डिजाइन है मतलब थोड़ा सा चेंज करा है कंपनी ने। अगर बात करें गाड़ी के न्यू फीचर्स के बारे में तो गाड़ी के अंदर आपको XUV700O जैसा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने के लिए मिल जाएगा, ड्राइविंग मोड्स देखने के लिए मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने के लिए मिल जाएगा, एलईडी में फॉग लैंप्स देखने के लिए मिल जाएंगे, डुअल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, डुअल जोन एसी, 9 इंचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, एलेक्सा सपोर्ट, एंबिएंट लाइटिंग, पुश स्टार्ट बटन, पावर फोल्डेबल ORVMs, 6 एयरबैग्स, चारों के चारों टायर में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएगा। गाड़ी का मेजर डिफरेंस आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, जो करंट में हमारे पास स्कॉर्पियो आती है वो 6 स्पीड मैनुअल में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन 2022 के अंदर जो स्कॉर्पियो आने वाली है वो आपको 6 स्पीड मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात करें पावर स्टेयरिंग के बारे में तो पहले आपको जो पावर मिलती थी 140 BHP की मिलती थी, न्यू जो स्कॉर्पियो आने वाली उसके अंदर आपको 165 BHP की पावर मिल जाएगी।
और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, गाड़ी के अंदर आपको पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिल जाएगा जो कि होगा 2.0 लीटर का एम स्टेरियन पेट्रोल इंजन जो कि 180 bhp की और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगी। तो यही था इस वीडियो के अंदर, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी आपके दोस्त यार को देखनी चाहिए तो प्लीज वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करना। तो चलिए इस वीडियो के सेगमेंट को यहीं पे एंड करते, मिलते हैं आपसे वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक अपने घर पर रहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए और अपना ख्याल रखिए।